तो राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भाजपा ने अधिकांश सीटों पर सहमति बनाई है और आज बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देगी बीजेपी आज, इसको लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने। राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे विष्णु का। विष्णु, चुनाव की घोषणा हो चुकी है 7 सीटों पर राजस्थान की और अधिकांश सीटों पर बीजेपी सहमति है उसकी। अब आज कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी होगी, क्या तमाम जानकारी? क्योंकि चुनावी जो है घोषणा हो चुकी है चुनाव की, देश भर में जो 2 राज्य हैं उनके साथ ही चुनाव जहां जहां होने हैं उनकी भी घोषणा हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है। भाजपा ने चुनाव जो समिति है वो भी बना दिए, केंद्रीय चुनाव समिति, उसमें के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव जो संयोजक नियुक्त किया है और उसके साथ ही 3 अन्य जो पदाधिकारी है वो उनके साथ लगाए। तो ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरह चुनाव में जुट गई है और इसको लेकर भाजपा की सूची है वो जल्द आने वाली है, क्योंकि पहले अलग अलग राज्यों की है सूची, वो आएगी। दोनों राज्य जहाँ झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है वहां आएगी और उसके बाद राजस्थान सहित अन्य जो उप सीटों पर जो उपचुनाव होने जहाँ सीटों पर वो आएगी। राजस्थान में 7 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर उपचुनाव होने, उसमें बीजेपी राजस्थान की ओर से तमाम कवायद पूरी कर ली गई है प्रत्याशियों के नाम की। पिछले रविवार को यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक में पैनल को मंजूरी दे दी गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें चर्चा हो चुकी है। अब अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो लेगा और उसके बाद वो जो प्रत्याशी है उनके नाम की घोषणा की जाएगी और उसकी तैयारियां लगभग पूरी है। एक बैठक और होगी दिल्ली में, उसके बाद इनका नाम की घोषणा की संभवतया जल्द ही इन जो प्रत्याशी है उनके नाम की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए समय मिलेगा। तो इस महज 1 महीना के लगभग चुनाव प्रचार क्या बचा है, 13 नवंबर को मतदान होगा, तो एक महीने से भी कम समय बचा है। तो इसके लिए जल्द से जल्द चुनाव की जो प्रत्याशी है उनके नाम की घोषणा की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर लगातार बीजेपी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और बीजेपी इसके लिए कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होते ही दावे भी कर रहे हैं। जो बीजेपी तमाम नेता है वो दावे कर रहे हैं कि 7 सीटें जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता दावे कर रहे हैं। इन दावों और हकीकत के बीच में असली परीक्षा तब होगी जब कैंडिडेट्स के नाम आएंगे, बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो फील्ड में उतरेंगे। जब फील्ड में पहुंचेंगे तो जनता फैसला करेगी, जनता तय करेगी कि कौन उनके यहाँ विधायक होगा। दोनों पार्टियों के नेताओं के दावे भले ही कुछ भी हो, लेकिन असली जो फैसला है वो जनता कर देगी। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। और इसका हमेशा कहा कि कैंडिडेट्स कौन होंगे, क्या समीकरण वहां बन रहा है, चाहे कांग्रेस हो और बीजेपी हो, दोनों ही जो दलों पर ये बात लागू होती है कि वहां कैंडिडेट्स किसको दिया जाता है, जनता की पसंद वाले कैंडिडेट है नहीं है, कार्यकर्ताओं की पसंद के कैंडिडेट है नहीं है, ये तमाम बातें देखी जाएगी। जी ठीक है विष्णु, और फिलहाल हम यही देखेंगे कि जब लिस्ट आने वाली है बीजेपी की कैंडिडेट्स की तो उस पर नजर रहेगी। हालांकि कैंडिडेट्स ही चुनाव जीतने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि रिजल्ट क्या आता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे।